अच्छा, अभी तक हमने CSP के मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखी हैं और इसको किसी हद तक हमने उसके कंपोनेंट्स वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए, वेरिएबल्स, डोमेन एंड कंस्ट्रेंट। मैनुअल, आपके मैनुअल में एक एग्जांपल है जिसमें मैप कलरिंग के नाम से है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। 4 रीजन कहलाती है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम आपके मैथमेटिक्स कंसर्न कलरिंग प्लानर रीजन्स है, ठीक है, और कार्टोग्राफिक मैप्स कहलाएगी की तरह जो है ये वर्क करेगी। सेकंड, आपके पास कुछ रूल्स हैं, वो ये कि नो टू एडजेसेंट रीजन में नॉट हैव द सेम कलर, ठीक है। 2 रीजन आर कंसिडर एडजेसेंट प्रोवाइडेड दे शेयर सम बाउंड्री लाइन सेगमेंट। ये आपके प्रॉब्लम जो कि मैनुअल में है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये जो मैनुअल है इसको मैंने यहाँ कुछ हेडिंग लिखी है, इसके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। 4 रीजन मैप कलरिंग प्रॉब्लम है, उसमें वेरिएबल्स और डोमेन, फिर कंस्ट्रेंट, ठीक है, और फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पहले उसका एक मैप देखना पड़ेगा ताकि हम इजीली इससे समझ सकें प्रॉब्लम को। ये देखिए आपके पास स्क्रीन शेयर है, v1 वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, 3 एंड 4। वेरिएबल 1 कोई भी सिटी या कोई भी रीजन हो सकता है या कंट्री हो सकती है, v4 एक डिफरेंट, v2 एंड v3 एक डिफरेंट है। तो हमने अभी 4 रीजन मैप कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये एक ऐसी सैंपल देखा है। अब ज़रा इसको समझिए, v1 की जो बाउंड्री है वो v4 से कनेक्टेड है, एडजेसेंट इसके सेम है, यानी इसको मिलते ही है, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच हो रही है v1 की v2 के साथ, और v2 की v3 के साथ भी हो रही है, v4 के साथ भी हो रही है और v1 के साथ भी हो रही है। इसी तरह v4 की भी तीनों के साथ इसकी बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है। और दूसरा ये कि v1 और v3 की बाउंड्री आपस में क्या है, टच नहीं हो रही। अब अगर हम इन तीनों में कुछ कलरिंग डिफाइन करें और इसको डिक्लेयर करें कि कितने कलर होने चाहिए, तो एक सोल्यूशन तो आपके पास ये है कि तीनों के 4 जितने भी हैं, चारों को अलग अलग कलर दे दें हम, ठीक है। v1 को अलग देते हैं, v2 को अलग देते हैं, v3 को अलग देते हैं, v4 को अलग देते हैं, तो ये मैक्सिमम कलर्स हमारे पास हो जाएंगे। तो हम ऐसा सोल्यूशन चाह रहे हैं जो मिनिमम कलर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक कलर अगर कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर हमारे फ़ायदा नहीं रहेगा, डिफरेंट कलर चाहिए हमें। 2 कलर भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों, अगर v1 को v4 को एक कलर दे दिया जाए और v2 को v3 को एक कलर दे दिया जाए, तो जिसकी बाउंड्री आपस में टच हो रही है, ठीक है, तो वो कलर फिर मैप नहीं होगा, उसके वो फिर एक ही रीजन कहलाएगा। हमें क्या करना है, हर रीजन का बता भी रहा हो कि इसकी बाउंड्री ये है कलर के हिसाब से, और वो किसी दूसरे कंट्री के साथ नहीं क्या ना करता हो, टच ना होता हो। तो हमने 3 कलर यहाँ पे रखे, जिनकी बाउंड्री आपस में टच होती है उनको डिफरेंट कलर दे दिया, और जिनकी बाउंड्री टच नहीं होती उनको, जिनकी बाउंड्री टच होती है उनको सेम कलर नहीं, डिफरेंट कलर दे दिया, और जिनकी बाउंड्री टच नहीं होती उनको सेम कलर दे दिया, ठीक है। तो रेड कलर v1 और v3 को दे दिया गया और v4 और v2 को इस तरह का कलर दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। अब दोबारा से हम अपने इसमें आ जाते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या हो गए, v1 की बाउंड्री, v2 की बाउंड्री, v3 और v4 की बाउंड्री। v1 की बाउंड्री से v4 और v2 टच हो रहे हैं, ठीक है। v2 की बाउंड्री से v1, v4, v3 और v3 की बाउंड्री से v4 और v2, v4 की बाउंड्री से v1, v2, v3, ये बाउंड्रीज की इंफॉर्मेशन आ गई। यानी ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए हैं जो कि 4 वेरिएबल्स हैं। द नंबर ऑफ कंट्री, नंबर ऑफ रीजन हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। डोमेन, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSP की डोमेन की ज़रूरत भी है, देखते हैं इसमें डोमेन है नहीं। तो नंबर ऑफ़ कलर जो है वो हमारे क्या हैं, डोमेन है, और हमने 3 कलर सेलेक्ट किए हैं और 3 कलर सेलेक्ट के पहले हमने देखा कि भाई 4 कलर भी हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि वो मैक्सिमम कलर है, 1 कलर भी नहीं लेंगे, 2 कलर भी नहीं लेंगे क्योंकि मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम ये करेंगे कि डोमेन के अंदर 3 कलर्स देंगे और ये 3 कलर्स कौन से होंगे, कोई भी आप दे दें, 1 को ग्रीन दे दें, 2 को येलो दे दें और 3 को भी ग्रीन दे दें और 4 को रेड दे दें। तो इस कलरिंग के साथ हम वैल्यू इस वैल्यू से इन वेरिएबल्स की डोमेन की इन वैल्यू के साथ हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब ये प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है तो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन ताकि हमारी आसान हो जाए तो एक ग्राफ की सूरत में हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड फिर हम इसको प्रोलॉग में कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बॉक्सेस बना लूँ इसके ताकि इजीली हम लोग क्या कर सकें। स्क्रीन शेयर है मेरे ख्याल से आप लोगों के पास। No, screen is not. Wait. जी, स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर है। मैं यहाँ से एक चीज़ ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास V1, V2, V3, V4 तो हम नॉर्मली एक हमने यहाँ से एक नोड वेरिएबल का V1 बना लिया। ठीक है, और सेकंड हमने V2 बनाया, V2 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, V3 एंड V4 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। V3 एंड हमारा V4 चौथा हमारे पास वेरिएबल है। इनके आपस में बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं किसकी टच हो रही है। तो V1 कहता है कि मेरी बाउंड्री इससे भी टच होगी यानी V4 से भी होगी और इसकी V2 से भी इसकी बाउंड्री टच होगी। ठीक है, और V2 वाला कहता है कि मेरी बाउंड्री V1 से टच हो गई है जो कि हमने इसको मैप करवा दी है, V3 से भी होगी, इसकी V3 से भी हम मैप करवा देते हैं। और V2 की यहाँ थोड़ी सी लाइन हमारी V4 से भी क्या कर रही है, मिल रही है, यहाँ पे हम V4 से भी कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, V4 की तरफ देखते हैं तो V4 V1 से कनेक्ट है, पहले से कनेक्ट हो गया, V4 V2 के साथ भी है तो V2 के V3 के साथ भी है। तो हमारे पास इजीली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसके साथ मैप करवा देंगे। तो ये जो आपके पास 4 रीजन मैप के कलरिंग का प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको हमने ग्राफ ड्रॉ करवा दिया। ठीक है, सेकेंड फेज हमारे पास आता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास यही प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम के कई मेथड देखेंगे, 3 मेथड हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है कि हम कनेक्ट का एक हमारे पास एक रूल होगा उसको फैक्ट बनाएंगे, ग्रीन और जो भी हमारे पास जितने भी पेयर्स हैं उस पेयर को हम इस तरह डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह पेयर है जैसे कि हमने कहा कि ग्रीन जो है वो V1 है तो ग्रीन येलो के साथ यानी V1 जो है वो 2 के साथ मिल रहा है, ग्रीन रेड के साथ यानी V1 जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड है और येलो जो है वो हमारा किसके साथ यानी V1 जो है वो 2 के साथ कनेक्टेड था, V4 V2 तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने फैक्ट में ज़रिए डिक्लेयर कर दिया। दूसरा ग्रीन 2 चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर हो गई। तीसरा हमारे पास येलो है, येलो को क्या किया हमने ग्रीन और रेड के साथ कनेक्ट कर दिया तो येलो हमारा ग्रीन एंड रेड के साथ कहाँ से हो गया, येलो ग्रीन एंड येलो रेड। येलो हमारा 2 है और 2 की इंफॉर्मेशन हमारे पास ग्रीन के साथ भी हो गई और हमारी ग्रीन 1 के साथ भी हो गया और 3 के साथ भी होना चाहिए इसको यानी येलो की ग्रीन के साथ। ठीक है, और येलो की रेड के साथ इसी तरह से। ओके, येलो ग्रीन का मतलब है ये दोनों ग्रीन हैं तो हमें एक ही दफ़ा इसको हमने डिक्लेयर कर दिया और सेकंड हमने क्या किया, 4 रेड है तो रेड की ग्रीन के साथ और रेड की येलो के साथ। इसको डिक्लेयर करने के बाद इसको हम चलाते हैं, देखते हैं क्या मैपिंग कर रहा है। यहाँ पे हमने A एंड B जो डिक्लेयर किया है उसका रिजल्ट देखते हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 जिस तरह हमने डिक्लेयर किया, यही 6 कॉम्बिनेशंस हमारे यहाँ पर ए पी के साथ आ रहे हैं कि एक पेयर हमारा ग्रीन येलो के साथ है, ठीक है, और ये हमारे पास पेयरिंग हो गई। लेकिन क्योंकि हम इसको पेयर दिखा रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसके कौन किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसको कोई रूल्स वगैरह भी बनाकर हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि अगर हमने कहा कि इस कनेक्ट को मैप करवा दें और चारों वेरिएबल को बताना है, क्योंकि ये भी सेंस नहीं बन रहा कि कौन सा पेयर है। अभी हमें पेयर बनाना है कि ओवरऑल हमारे पास जो पैकेज बनेगा, जो पेयर का पैकेज बनेगा वो क्या बनेगा, तो हम एक रूल डिफाइन करके इसको ईजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में डिफरेंट आ जाएगा। हमने इसको लिस्ट दिया है, यानी वेरिएबल सेट ऑफ वेरिएबल्स। ये देखिएगा, इसने पेयर बता दिया कि जो V1 है और V3 है इन दोनों को ग्रीन असाइन है, क्योंकि इन दोनों की बाउंड्री डिफरेंट है, सेम है बल्कि टच नहीं होती। V2 को येलो है और V4 को रेड है। तो ये थोड़ा सेंस बन गया है क्योंकि रूल बना दिया हमने, और जहाँ जो चीज़ें वहाँ हमने एक्सप्लेन की थी हर एक की वैल्यू को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हर चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर है। कनेक्ट में 1 कनेक्ट कराया, V1 को V2 से, V1 को V4 से, यानी 3 V1 की बाउंड्रीज हैं तो तीनों के साथ ये कनेक्ट आ गया। V2 की बाउंड्री भी 3 है तो तीनों के साथ कनेक्ट आ गया, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये डबल डुप्लीकेट हो गया है, ये इसको हटा देते हैं। V1 की 2 बाउंड्रीज हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। V2 की 3 बाउंड्रीज हैं, तीनों कनेक्टेड हैं। और V3 की भी 2 बाउंड्री हैं, दोनों कनेक्टेड कर दी हमने। और V4 की 3 बाउंड्रीज हैं तो तीनों कनेक्ट कर दी। अब इसके रिज़ल्ट देखा हमने और इसके पास ये आया रिज़ल्ट में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन क्यों बना रहा है, क्योंकि हमने जो कनेक्ट की 6 मुख्तलिफ वैल्यूज़ पहले से डिक्लेयर की है फैक्ट के अंदर, तो वो फैक्ट यहाँ पर पेयर बना के दिखा रहा है। और तमाम सबकी एक ही इसने सेट बनाया है क्योंकि इसके पास एक ही सेट है, और ये कोई एक भी हम लेते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास एक पेयर है, ठीक है। रिपीट क्यों कर रहा है, रिपीट इस वजह से कर रहा है कि हमारे पास 6 दफ़ा डिक्लेयर है, ठीक है भाई। ये हमारे पास कोड है जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। हम ये किस तरह से इसको कहें कि एक मैप दे दिया जाए और बताया जाए भाई इसकी मैपिंग जिस तरह हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वही चीज़ ये रिज़ल्ट में लेके आएगा, लेकिन ये बता नहीं सकेगा हम तो कि हमारी ये मैपिंग, ये हमारी ये कलर की सेटिंग सही है या नहीं। यानी पेयर बता दे ओवरऑल कि हमारे पास कलर की पेयर कंप्लीट है या नहीं। दूसरा कोड हम इसी का देखते हैं जिसका रिज़ल्ट बिल्कुल इसी तरह से आएगा जो कि अभी आपके सामने है, वो हमारे टैब 2 है। इसमें देखिएगा हमने यहाँ पर जो काम किया था वो कनेक्ट के अंदर ही कलर को डिफ़ाइन कर दिया था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पॉसिबल 3 ही कलर है, तो क्यों ना हम पहले कलर को यहाँ पर हम क्या करें डिक्लेयर कर दें, फिर वही काम हम कनेक्ट के अंदर एक लॉजिक से करें, रूल डिफाइन कर दें कि कलर 1 और कलर 2, कलर A और कलर B अगर इक्वल ना हो, ठीक है, किस पेयर के हिसाब से जब ये कनेक्ट कॉल होगा, और कॉल को कहाँ से किया जा रहा है, यहाँ से किया जा रहा है मैप से, तो ये मैप हर एक जितनी आइट्रेशन है 10 से 20 तक, इसका मतलब है 10 20, यहाँ पर हमने कितने डिक्लेयर किए हुए हैं 10 इसके पास प्रेडिकेट्स हैं कनेक्ट के, तो ये 10 प्रेडिकेट को यहाँ से मैप करेगा और मैप करने के बाद इसका देखेगा कि जो A और B अगर बराबर नहीं है तो उसको ट्रू करो, उसका रिज़ल्ट लेके आओ, अदरवाइज़ उसको फॉल्स कर दो, उसका रिज़ल्ट लेके नहीं आओ, ठीक है। तो जब हमने ये रूल इम्प्लीमेंट किया और उसको मैप के अंदर हमने कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक डिफरेंट था, यहाँ पर हम डायरेक्ट से कॉल करवा रहे थे वैल्यूज़ को, यानी कनेक्ट कर रहे थे तमाम जो डोमेन्स हैं हमारे वैल्यूज़ हैं उसको आपस में पेयर हम खुद बता रहे हैं, यहाँ पर पेयर हम लॉजिक से क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। और मैप का फंक्शन, मैप के जो रूल है वो यही वही है जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, ठीक है, इसी तरह से। और अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये कितने पेयर्स बना रहा है, ए बी, देखिएगा ये वही आपके 6 पेयर बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 पेयर इसने इस लॉजिक से बनाया, जबकि इसने इससे पहले हमने जो लॉजिक लगाई थी वो डिक्लेरेटिव लॉजिक थी, ठीक है। और यहाँ पर रूल हमने डिफाइन कर दिया। सेकंड, हमने यहाँ पर वही कनेक्ट की चीज़, अगर दोबारा से हम इसको देखते हैं तो यही 6 पेयर बनाएगा, और 6 पेयर बनाने के बाद उसको हर एक पूरा आपको पैकेज बना के दे देगा कि ए और ए के V1 V2 V3 V4 के कौन कौन से कलर हैं, सेम है तो वो भी बता देगा, जैसा लास्ट में देखा था। V1 V3 को ग्रीन दिया, V2 को येलो दिया और V4 को रेड दिया, ठीक है। इसका एक और, ये भी हमारा कोड कंप्लीट नहीं है, वही आउटपुट है तो जाहिर सी बात है वो कंप्लीट नहीं है। अब हम दूसरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और हर चीज़ को एक दूसरे अंदाज में देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोड है जो हमारे मल्टीपल्स कोई क्यूरीज के रिजल्ट दे सकता है। इसमें देखिएगा हमने एडजेसेंट के रूल्स बनाए और जो रूल वहाँ थे जहाँ पर हम डिफाइन कर दिया। वेरिएबल 1 2 जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था कनेक्ट के अंदर, वही चीज़ हमने एक और फैक्ट बनाकर डिक्लेयर कर दी, 1 2 1 4, यानी 1 की 2 के साथ बाउंड्री मिलती है, 1 की 4 के साथ, और 2 1 2 3 2 4 वही 10 हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है हमारे पास पूरे टोटल, ठीक है। क्योंकि बाउंड्रीज हमारे पास कितनी हैं, 5 हैं। मैं इसको दोबारा से आपको बाउंड्रीज दिखाऊं, ये देखिएगा, अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसकी आ गई 1 और 2 बाउंड्री, ठीक है। इसकी तरफ से देखते हैं तो वो 1 2 और 3 बाउंड्री आ गई, 2 और 3 5 हो गई। इसकी तरफ से देखते हैं तो 3 आ गई, 1 2 1 2 और 3, 5 और 3 8, और फिर हम इस V3 की तरफ देखते हैं तो इसकी 2 बाउंड्री है, 1 और 2 8 और 2 10। तो टोटल हमारे पास 10 बाउंड्रीज हैं आपस में जो कनेक्टेड हैं, उसी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़, हम ने कलर की स्कीम्स बता दी, यहाँ पर हमने एक स्कीम्स जनरेट करवा दी। हमने कहा कि 1 को कलर दिया जाए रेड, जबकि वहाँ पर हमने क्या कहा था, 1 को देते हैं हम ग्रीन, ठीक है, और ब्लू को देते हैं हम, 2 को देते हैं हम, क्या किया था हमने, 2 को, ये हम स्टेटमेंट ले लेते हैं ताकि इजीली हम, स्कीम हमारी ये है, 1 को ग्रीन दे दिया और 2 को हमने येलो दे दिया और 3 को हमने, 3 और 1 और 2 3 जो है वो सेम है, इसको भी ग्रीन दे दिया और हमने 4 को रेड दे दिया। ये हमारी स्कीम है। स्कीम हमने पहले ही बता दी कि 1 अगर वेरिएबल 1 यानी हमारी जो कंट्री 1 है उसको ग्रीन है और वो स्कीम ए के साथ कनेक्टेड है, जब स्कीम ए हम मैप के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो ए वाले कंट्री को ग्रीन कलर होना चाहिए, ठीक है, 2 वाले कलर को, 2 कंट्री को येलो कलर होना चाहिए, 3 को ग्रीन होना चाहिए और 4 को रेड होना चाहिए, ठीक है। और इन सब की सेटिंग के, भाई ये क्यों हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इस वजह से कि यहाँ पर हमने इन सब की 1 और 2 और 3 4 की जितनी भी हमारे पे कंट्रीज़ हैं उसकी एडजेसेंट को हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। एक स्कीम हमने बना दी जो कि वैलिड होगी, एक स्कीम बनाई जो कि इनवैलिड होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों को ग्रीन कर दिया, 1 और 2 और 3, जबकि 1 और 2 की बाउंड्री आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, एडजेसेंट इसके सेम है, तो हमें इन दोनों का कलर डिफरेंट रखना चाहिए था। तो ये जब आपस में बाउंड्री मैप करेगा तो इसमें एरर आना चाहिए, तो इस वजह से ये क्या है, इसको रेड नहीं होना चाहिए, इसको हमारे हिसाब से येलो होना चाहिए, जबकि हमने इसकी स्कीम गलत बनाई। स्कीम गलत बनाई है तो हमें रिजल्ट आप इजीली हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके चेकिंग रूल में हमने एक रूल बनाया जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन सी स्कीम रॉन्ग है, ठीक है। तो चेक रॉन्ग का एक हमने रूल बनाया, इसका रिजल्ट अगर आता है चेक रॉन्ग ट्रू, इसका मतलब है कि वो स्कीम वैलिड नहीं है। चेक का रिजल्ट, चेक रॉन्ग का रिजल्ट अगर आ गया फॉल्स, सही है, तो इसका मतलब है कि वो वैलिड है, क्योंकि इसका चेक जो है रॉन्ग हो गया, रॉन्ग जो है ना उसका फॉल्स हो गया। जब रॉन्ग फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है वो स्कीम आपकी वैलिड हो गई। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। इसमें पहले स्कीम रखते हैं, तीन इसके स्कीम दी हमने ए स्कीम जब है तो स्कीम ए जो है वो हमारी वैलिड है, स्कीम बी हमारी इनवैलिड है। ठीक है, हमने क्या कहा था, चेक रॉन्ग का आंसर अगर फॉल्स आता है तो इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग फॉल्स है यानी ये रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड हो गई। अब चेक बी देखते हैं। चेक बी का आंसर ट्रू है और 1 2 3 4 ट्रू है, तो इसका मतलब है कि इसके पास ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब चार पॉलिसीज़ इसकी, चार इसके रूल्स ऐसे हैं, स्कीम ऐसी है, इस स्कीम के अंदर चार ऐसे पेयर्स हैं जो कि ट्रू हैं, जिसके रॉन्ग वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब चार वैल्यू इसकी, चार पेयर के हिसाब से ये इनवैलिड हुआ, ये स्कीम इनवैलिड हो गई और ये स्कीम हमारी वैलिड हो गई। क्लियर। इसको अभी किस तरह से हम ट्रेस करें, किस तरह से करें, तो उसके लिए ईजीली हमने एक अटैम्प्ट करवाया है कि चेक कलेक्ट ऑल, जो आपके जो पेयर सही तौर पर करेक्ट हैं, रॉन्ग नहीं है, उनके पेयर्स बताओ। ठीक है, इसमें क्या किया था हमने, एडजेसेंट का जो हमने फैक्ट बनाया था उसमें ए और बी वेरिएबल दे दिया और कलर ए को एक मरतबा कलर को हमने ए के साथ कॉल किया और दूसरी मरतबा हमने बी के साथ कॉल किया। बाकी सी और स्कीम, इसमें वेरिएबल जो स्कीम तो यहाँ से आएगा जो हम यहाँ से पैरामीटराइज कर रहे होंगे, सी जो है वो जो भी इसके रूल के हिसाब से वेरिएबल में आ रही वैल्यू आ रही होगी उसको अब वहाँ पर ट्रू करवा देंगे। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर अटैम्प्ट किया कि तमाम वैल्यू जो करेक्ट है उसको देखो। ठीक है, तमाम वैल्यू करेक्ट का मतलब क्या है कि सारे रू वही फैक्ट लाएगा, वही जो आपके पेयर लेके आएगा जो कि वैलिड है। ठीक है, तो इसके अंदर काम वही किया गया है जो प्रेडिकेट, तीन प्रेडिकेट यहाँ पर थे तो ये वही तीन प्रेडिकेट हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे सी क्योंकि कलर जो है वो डिफरेंट है तो यहाँ पर कलर जो है वो एक जैसे उठा रहा था तो कलर को मैप नहीं कर पा रहे थे हम कि ये आपस में इक्वल हो या नॉट इक्वल हो। हमने यहाँ क्या कहा, C1 यहाँ पर वेरिएबल दे दिया, C2 दे दिया। अब C1 जो A का कलर होगा और जो बी का कलर होगा वो दोनों के दोनों मैप नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू C2 कलर। तो जब हमने ये कंडीशन लगा दी तो हमारे पास टोटल पेयर आ जाएंगे कि कितने आपके कितनी पॉसिबल, जितने भी हमारे पास जो एडजेसेंट है ये सारे के सारे ट्रू हैं या नहीं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। चेक ऑल, स्कीम हमने बी रखी, पहले हम ए रखते हैं। ए के अगर ए है तो ये 10 के 10 एडजेसेंट जो है वो 10 मरतबा 2 आना चाहिए, 10 टाइम्स 2 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 1 2 1 से लेकर 10 तक, तो 10 ट्रू का मतलब है कि इसने यहाँ पर चेक कर लिया हर एडजेसेंट के बारे में कि ये भी सही है, इसकी भी बाउंड्री सही है, सबके बाउंड्री सही है। ठीक है, कलर के हिसाब से। ठीक है, इसको यही कलर मिलना चाहिए, इसको यही कलर मिलना चाहिए, तो इसने रिजल्ट में ट्रू दे दिया, जबकि इसमें फॉल्स आ रहा था ए में। और बी का देखते हैं कि बी कितने एडजेसेंट को इन कलर्स के साथ, इन कलर की मैपिंग के साथ ट्रू करती है। 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज उसको, 6 पेयर्स ऐसे मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू ये ट्रू दे रहा है। इसका मतलब है कि 4 ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, 4 पेयर्स ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ग्रीन और ये वाला पेयर ग्रीन का बिल्कुल सही है। ठीक है, और रेड के साथ भी सही है, तो रेड और ग्रीन के साथ एक मैप हो गया क्योंकि रेड कलर रेड ये है, रेड किसको होना चाहिए, ओके ये कलर हमने रेड ग्रीन, इसमें हम इसको रेड कर लें, इसको कोई भी कलर कर लें हम, चलें तीनों को ग्रीन कर देते हैं। एक अंदाजा हो जाएगा, हमने 3 को ग्रीन कर दिया, 4 अब कितने पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, वही 6 1 2 3 4 5 6 कलर की मैचिंग नहीं आ रही। पहले हमने 3 कलर डिफरेंट दिए थे, अब इसको मैप कर दिया हमने। अब देखिएगा ग्रीन की मैपिंग, ग्रीन की जो एडजेसेंट है 4 के साथ, यानी 1 की 4 के साथ जो है वो सही है, इसका ये बिल्कुल ट्रू आना चाहिए। जब ग्रीन की यानी 1 की 4 के साथ बाउंड्री सही है, सही कलर दिया हुआ है, तो 4 की ग्रीन के साथ भी, तो ये 2 पेयर हो गए, ये 2 यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही हो गया। ग्रीन हमने 3 को भी ग्रीन दिया हुआ था, और 3 और 4 की जब मैपिंग करी तो 3 और 4 की कलरिंग सही चल रही है, तो 2 यहाँ से इसको पेयर मिल गया। अब 2 कहाँ से पेयर मिल रहा होगा उसको, 2 पेयर इसके रेड एंड ब्लू, इसका हम ट्रेस कर लेते हैं कि इसको 2 पेयर कहाँ से मिले। ये देखिएगा यहाँ पर इसने कॉल किया और 1 और 2 को एडजेसेंट को लिया, और 1, 2 के पास जो वैल्यू थी वो कलर ग्रीन एंड कलर ग्रीन, 1 और 2 दोनों ग्रीन है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो फॉल्स होना चाहिए, फेल हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट में इसने, अच्छा दूसरा इसने क्या कहा, 1 और 4 को लेके गया, 1 और 4 को देखा तो 1 और 4 की भी वैल्यू ग्रीन रेड आ रही है, तो एक मरतबा 1 को इसने ग्रीन कर दिया, रेड को, ये ट्रू आएगा। ठीक है, आगे सेकेंड हमारे पास ट्रू 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 6 एंड फॉल्स। ठीक है, लास्ट वाली फॉल्स आ रही है क्योंकि ये फिर आगे मैपिंग करवा रहा है। अच्छा, एक और हमारे पास अटैम्प्ट किया था मैंने, और इसको बताने के लिए कि किस तरह से हम क्लियरली रिजल्ट देख लें और देख लें कि कौन सी मैपिंग उसकी क्लियर आ रही है, और वाजे करने के लिए तो कुछ हमारे पास फंक्शंस थे, बिल्ट इन फंक्शन थे, कि उसकी मदद से हमने पूरा पेयर बनाकर आउटपुट में दिया है। अभी ट्रू फॉल्स हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला पेयर ट्रू है, जब तक कि हम पूरी डिबग में ना जाए। तो ये वाला कोड अटैम्प्ट 2 का 6 पेयर बनाएगा, और जो 6 पेयर शो करेगा बी के साथ, वो यहाँ पर आपको ईजिली शो करेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, वही चीज़ कि हमने एक स्कीम देनी है और एक आउटपुट पेयर टोटल, वो आउटपुट में एक पेयर वेरिएबल के अंदर आउटपुट देगा कि कौन सा वाला पेयर अभी आया है जिसकी वैल्यू ये ट्रू बता रहा है। ठीक है, रूल वही लगाया हमने जो हमने वहाँ पर प्रेडिकेट लगाए थे, सही, ये वही प्रेडिकेट है। C1 C2 को हमने नॉट इक्वल किया था। ये वाला लिंक है जिसमें हमें एक बिल्टन फंक्शंस मिलते हैं कुछ कॉन्केटिनेट करवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ए और बी जो है वो नंबर में आ रहा है। ए और बी जो वैल्यू है वो नंबर में है, और हम पेयर का जो आउटपुट लाना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से लाना चाह रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट आए, इस तरह से आए कि पहला पेयर है 1, 2, इस तरह का पेयर आए। तो इसका मतलब है कि ये 2 को भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 1 को भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, फिर इनको कॉन्केटिनेट करवा कर ये बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इस आउटपुट को जनरेट करवाने के लिए ये नंबर स्ट्रिंग एक फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है कि आपने पहला वाला नंबर होता है और दूसरा वाला उसका स्ट्रिंग जनरेट करता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर 1 लूँ 1, 2, 3 लूँ और मैंने इसमें वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग, तो ये पहला वाला इसमें नंबर दिया जाएगा और दूसरे को वेरिएबल बना दिया। इसका मतलब है कि 1 और 2, 3 को एस में स्ट्रिंग बना के कन्वर्ट करवा दो। ठीक है, ठीक है, 1 और 2 तो एस में डाल दिया स्ट्रिंग बनाकर। इसका हमने रिवर्स कर दिया, नंबर एन को वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, कहा कि 1, 2, 3 को स्ट्रिंग बनाकर एन में दे दें, असाइन कर दें उसको। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन तो ये काम कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, तो जो ए आया है वो हमारे पास वैल्यू होगी नंबर की, उसको N1 स्ट्रिंग बनाकर N1 में डाल देगा, नंबर 1 में। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी ये करेंगे, बी में जो वैल्यू आ रही होगी वो N2 में डाल देगा स्ट्रिंग बनाकर कन्वर्ट करके। अब ये दोनों नंबर हमें स्ट्रिंग फॉर्म में आ गए, और हमें फॉर्मेट क्या जनरेट करवाना है, फॉर्मेट के लिए हमने कहा था पूरा एक स्ट्रिंग बनाना है, तो बीच में हमें कॉन्केटिनेशन का कॉमा सेपरेटर वैल्यू लेके आनी है। तो कॉमा सेपरेटर वैल्यू के लिए स्ट्रिंग जो कॉन्केटिनेट है वो ये करता है कि एक वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा ये फंक्शन सिर्फ 3 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में आप तो पहले दो पैरामीटर में वैल्यू देंगे तो उसका रिजल्ट जेड में कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। ठीक है, इस रिजल्ट को भी देखते हैं। दो स्ट्रिंग आपके पास हैं, एक ये एक वन, यानी हमने अगर कहा कि ए कॉमा यानी माय स्ट्रिंग और कॉमा, इसको एक स्ट्रिंग के साथ जो कि डैश एंड करके, अब ये दो स्ट्रिंग दे दिए हमने, इन दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेगा। तो पहला पैरामीटर एक पहला स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर दूसरा स्ट्रिंग है, दोनों कॉन्कैटिनेट करेगा और जेड में असाइन कर देगा। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग बना दिया इसने। तो ये स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने दो कॉन्कैटिनेट क्यों लिए, इस वजह से लिए कि हमें n1 को बनाकर ये क्या करेगा, n1 में जो भी नंबर आएगा वो स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग बिलफर्ज अगर हम पहला एडजेसेंट लें, पहले एडजेसेंट की वैल्यू है 1 2, तो पहले एडजेसेंट के अंदर जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास 1 ये आ जाएगा। इसमें 1 आ गया, इसने एक कॉमा दिया और फिर एक स्पेस दे दी, ठीक है, और जेड में दे दिया, साइन कर दिया। अब जेड में ये वैल्यू आ गई और जेड के अंदर फिर जेड को दोबारा कॉन्कैटिनेट करवाया नंबर 2 से और वो पेयर में दे दिया हमने, जो पेयर हमारा आउटपुट था। ठीक है, तो जेड के अंदर भी जो वैल्यू आएगी वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी और दो नंबर के साथ, n2 के अंदर नंबर 2 है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आउटपुट जहाँ पर जनरेट होगा और पेयर में दे देगा और पेयर इसको रिजल्ट में देकर यहाँ पर हम इजीली कॉल कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका रिजल्ट कैसे आता है। 1 पहला पैरामीटर हमारा स्कीम है, तो स्कीम हमने ए दी, और दूसरा पैरामीटर हमारा पेयर का है तो हमने पी दे दिया, वो वेरिएबल है, एक हमारा वैल्यू है दूसरी वेरिएबल। ठीक है, तो देखें पहला पैराम जो ट्रू आया था वो पहला एडजेसेंट था जो कि वैलिड है, हर एतबार हर स्कीम उसकी वैलिड है। ठीक है, आखिर तक सारे आपने इसने ट्रू कर दिए, 1 2 1 4 2 1 2 3 2 4 3 2 3 4 4 1 4 2 और 4 3। और जब हम इसकी स्कीम चेंज करते हैं और बी स्कीम देखते हैं तो ये कौन से वैलिड कहता है, 1 4 को वैलिड किया, 2 4 को, यानी 4 वाले जितने पेयर्स हैं उसने वैलिड कह दिए, वो 4 लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो। 4 के साथ 1 की वैलिडेशन सही है, 4 के साथ 2 की सही है, 4 के साथ 3 की सही है, उसको क्या पता कि ग्रीन है, यानी 4 के साथ 3 इसको भी ग्रीन कह दिया, उसको 10 इसको है ही नहीं, क्योंकि 4 का कलर और 2 का कलर दोनों डिफरेंट है, तो ये तीनों स्कीम्स ने ट्रू कर रहा है। तो हमें पेयर पता चल गए कि कौन सा पेयर से हमें क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें कॉन्कैटिनेशन में ये लिंक है जिसके अंदर हम इजीली और भी फंक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का फंक्शन और नंबर्स के फंक्शन, तो ये आपके पास जो स्लैश के बाद आ रहा है वो 2 का मतलब है कि ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेगा, ये फंक्शन 3 पैरामीटर लेगा। क्लियर है? अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो मैंने एक अटैम्प्ट और किया और कहा कि भाई ये 3 4 चीज़ें जो हम 4 5 लाइन में लिख रहे हैं इसको क्या करते हैं, हम इसको एक फंक्शन बना के ईज़िली क्या कर दें, कॉल करवा दें। तो यहाँ पर वो काम ये भी हो रहा है, ये देखिए। तो ये फंक्शन बनाया गया, इस फंक्शन को हमने पेयर 1 कहा और पेयर 1 क्या कर रहा है, वही रूल लिख रहा है, वही फैक्ट्स लिख रहा है, प्रेडिकेट्स लिख रहा है जो हम पहले लिख रहे थे। सिर्फ इन 4 लाइन को एक फंक्शन में रख दिया गया और वो फंक्शन का नाम लिखा नंबर्स कॉन्कैट विद सेपरेटर। सेपरेटर वैल्यू के साथ हम इसका फंक्शन बना रहे हैं और चारों वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी। और क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल दिया जाएगा, एक नंबर 2 नंबर दिए जाएंगे और वो पेयर के अंदर आउटपुट ले आएगा। ठीक है, आउटपुट वैल्यू होगी, हमने ये चीज़ यहाँ पर असाइन कर दी। ये फंक्शन हम दोबारा से डायरेक्टली कॉल करके भी देख सकते हैं। इसको हमने एक नंबर दिया 5, इसको एक नंबर दिया 6 या इसको दिया 11 और इसको दिया 6। अब 11 कॉमा पे स्पेस पे 6 ये आ जाएगा। ठीक है, इसने पेयर बना दिया, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसको हमने इसका एक एंड कंडीशन लगा के ये प्रेडिकेट भी असाइन कर दिया और इसको हम अब कॉल करते हैं। यहाँ पर हम पहले बी रूल देखते हैं, देखिए वही रिजल्ट आ रहा है, पेयर्स बना के दे रहा है और 4 6 जो है ना पेयर को ट्रू कर रहा है। ए के साथ देखते हैं तो ये 10 के 10 एडजेसेंट को ट्रू कर रहा है। ठीक है, 10 आपके पास वर्टिकल होगा एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से 4 रीजन मैप कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है।